शहर भर में बढ़ते एक्सीडेंटों के ग्राफ को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार शहर भर में वाहन चालकों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दो पहिया वाहनों पर दो सवारी होने पर दो हेलमेट होना अनिवार्य किया गया और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य की गई। साथ ही वाहन चालकों को मास्क लगवाया। मास्क लगवाना चेकिंग अभियान की प्राथमिकता रही। चेकिंग अभियान के दौरान कई वाहन चालक यातायात पुलिस से भिड़ते नजर आए, लेकिन यातायात पुलिस ने बिना चालान थमाए किसी को भी नहीं बख्शा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा होता है या फिर वाहन चालक अपनी मन मर्जी से बाज नहीं आएंगे। टीएसआई वीर बहादुर था, ये चालान ये है बिना हेलमेट, दो सवारी पीछे वाली सवारी अगर हेलमेट नहीं लगाती उसका भी चालान है, बाइक पे दो पहिया वाहन पे तीन सवारी का उसका भी चालान है, सीट बेल्ट का है, बिना लाइसेंस का है, ये सब चालान के चालान करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें चालान करने के आदेश होते हैं ऊपर से SP ट्रैफिक साहब की तरफ से। और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है या देखने में आता कि ज़्यादा लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो हम और ज़्यादा सख्ताई से देखा जा रहा है कि आपने अपनी बाइक रोकी, व्यक्ति क्या कहते हैं मोबाइल में हाथ मारने लगा, बदतमीजी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? क्या करें, बदतमीजी अब झेलते हैं, पूरे दिन यहीं खड़े यही झेलते हैं और क्या करते हैं।